हाय हाय आज मेरी जिंदगी में कोई निराशा नहीं रहेगी क्योंकि आज मैं आयशा के साथ डेट पर जा रहा हूँ। क्या बात है। ओ, 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 आंटी कहाँ घुसी जा रही हो, हमारा घर है ये। मुझे पता था भाई, मुझे पता था आज मुझे कोई पहचानने वाला नहीं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओए मर्जने, मुझे आंटी क्यों कहा, मैं तो तेरी छोटी बहन से भी ज्यादा छोटी लग रही हूँ। मम्मी जी कच्ची दीवार पे डिस्टेंपर लगाने से वो पक्की नहीं हो जाती। मर जानिया, ओए मनहूस बातें मत कर। पपुआ तुझे पता है मैं ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ, क्योंकि ब्यूटी और अंग्रेजी में भाई मुझे कोई हरा नहीं सकता। मिसेस इंडिया में दादिया कब से पार्टिसिपेट करने लगी। ओए, मेरी जीरो फिगर देख के कोई कह ही नहीं सकता कि मैं दादी हूँ। और कोई चिन्ह नहीं थोड़े जाएगा नंदू और उसके बच्चों को देखने के लिए। पपुआ मेरे लिए ना एक स्विमिंग सूट लेकर आ, जिसे पहन कर मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट के स्टेज पर ऐसे चलना है। मम्मी जी गलत फहमी के गुब्बारे का फोड़ना बंद करेंगी। खैर छोड़ो। हाँ, आयशा आज सबके टकराने का दिन है क्या? अबे सबने चढ़ा रखी है। सलाम साहब जी। एक मिनट बे रुक, तूने सच में चढ़ा रखी है? साले ड्यूटी पे शराब पीता है वो भी अकेले अकेले। कौन सा लाया? एक मिनट बे, पीस ने रखी है, चढ़ मुझे गई। अबे तुझे बच्चे की आवाज आ रही है क्या? आता है। जा साले जा, बरामदे में मत करियो। फिर से आई। अबे ये हाफ टिकट कौन छोड़ गया अपना? बालक किसका है ये? जी जी हाँ, ये किसका बच्चा है? मुझे क्या पता बे? What is that? What is that? अबे क्या लिखा है इसमें? छोटे मम्मी जी। अबे ऐसा क्या लिखा है इसमें जो पलटन इकट्ठी कर रहा है? मम्मी मम्मी। हाय जैसी भैया। क्या हुआ जैसी भैया? कितना क्यूट बेबी है, किसका बेबी है? क्यूट तो लगेगा ही ना छोटी, तेरे पूछी का जो है। वैसे तुमने बताया नहीं पूछी, ये बेबी तुमने लिया कब? इंटेलिजेंट बहु बच्चे लिए नहीं जाते, बच्चे होते हैं। कोई मार जाने हो, कोई मुझे बताएगा ये किसका कर्म है? अरे मम्मी जी ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि संभालो हमारी बच्ची, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। निशा। निशा? इससे कुछ साबित नहीं होता, मेरा बच्चा नहीं है ये, मुझे तो यहाँ गेट पे मिला था। अच्छा जी। भाई क्या कर दिया? देखा मम्मी जी, बच्चे ने जवाब दे दिया। और बच्चा ना सबसे पहले अपने बाप पे ही सूसु करता है, इसका मतलब ये इसका बाप है। पूछी, तुमने मुझे धोखा दिया मम्मी जी। सम्मान खाने आने लायक, मेरे कॉन्टेस्ट खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। ये लो। हाय पापा जी, अगर सबको पता चल गया कि मैं दादी बन गई हूँ तो मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में कभी भाग नहीं ले पाऊंगी। सबूत तो मेरे भी पास है, ये देखो इस पे क्या लिखा है, मेड इन कैनेडा। इसका मतलब ये कैनेडा से आया है, और कैनेडा से तो ये लूलू भी आया है। और देखो ना ये भी इसकी तरह भूरा है। ये ले बे अपनी काली करतूत का गोरा फल। Really? ये मेरा बच्चा नहीं है, खुद संभाल अपनी अय्याशी की रसीद। अबे ये तेरा ही बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है, खुद संभाल। ए तारावंती तू कुछ कर, वरना इस कॉन्टेस्ट में कभी भाग नहीं ले पाएगी। ओए कुत्ते दे पुत्रों, बंद करो ये लड़ना। जस्टी पुत्र भाई, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि इस बार ये चप्पू पप्पू ने नहीं चलाया। That's right, right, right. मम्मी जी मैं प्रूव कर सकता हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। रियली? ओए कहीं प्रूफ लेकर ना आ जाए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मम्मी जी ये देखो, मेरे कंप्यूटर से तेज दिमाग और एक्सरे वाली आंखों से कुछ नहीं बच सकता। मम्मी जी देखिए ना, आपके बेटे ने क्या किया, आपके बेटे ने आपकी फूल सी बहू को फूल बनाया और किसी और के साथ ये फूल खिलाया।
ऐसा सामान उखाने मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मम्मी जी, एक नाजुक सी कोमल सी मासूम माँ को दादी बना दिया। हाय, क्या क्या सोचा था कि मिसेज इंडिया बनूंगी, डायरेक्ट फिल्मों में चांस मिल जाएगा। ओ इंसान की औलाद, तुम लोग भी गलती करने से बाज नहीं आते। अब देखो कुछ गलतियां कितनी भारी पड़ती हैं। अबे लेकिन इस बार ये मेरी गलती नहीं है। अरे भावेश भाई, तुम्हें तो पता है मैं ड्राइविंग करते हुए हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करता हूँ। पता नहीं ये चालान कैसे कट गया। भावेश भाई, तुम ही कुछ जुगाड़ करके मुझे बचा लो ना इससे। अच्छा जी। मम्मी जी, छोटे। क्या हुआ जैसी भैया? क्या पप्पू भाई, तुम तो बहुत रंगीले आदमी हो, पता नहीं कौन कौन सी पेंटिंग में रंग भरते हो। तुम ही संभालो इस रंगीन पेंटिंग को। पूछी, आपको पेंटिंग भी करनी आती है? आपने कभी मुझे बताया नहीं। अरे छोटी, ये पेंटिंग की वजह से नहीं, ये डेंटिंग की वजह से हुआ है जो इस जीजे ने करी है, इसी वजह से बच्चा है। और उसी की तो बात कर रहे थे भावेश भाई। जस्सी पुत्र तो समझा नहीं। भावेश भाई ना पप्पू की पेंटिंग की बात कर रहा है। लो जी, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, पप्पू ना बचपन से पेंटिंग में बहुत ज्यादा होशियार था। उसे पेंटिंग में हैंडराइटिंग के भी नंबर मिल जाते थे। भावेश भाई उसी पेंटिंग की बात कर रहे हैं। ये बात। ओए पप्पूआ, जल्दी कुछ कर। ओए क्यों मेरे मिसेस इंडिया बनने के सपने को चकनाचूर करने पर तुला हुआ है। ओ शाब जी। देख छोटी, इस बच्चे के कितने फीचर्स मिलते हैं जीजे से। शशि साहब बिल्कुल ठीक कह रहा है, बच्चे का चेहरा बिल्कुल पप्पू साहब से मिलता है। आज आपने फिर तुमने अपनी तुलसी का दिल तोड़ा है, उसे उसे धोखा दिया है। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी पूछी, कभी माफ नहीं करूंगी। बहू बहू, हाय उर्वा, मिसेस इंडिया की कोई बात ही नहीं सुनता। बहू, ऑल द बेस्ट जीजे आया बनने के लिए। अबे इस हिसाब से तो पूरे मोहल्ले का बच्चा हुआ फिर। अबे यार, ये क्या उठाया था और क्या गले पड़ गया, मेरा तो शराफत से भरोसा ही उठ गया है। मेरे जैसा शरीफ आदमी इस कंट्रोवर्सी में। अरे कर दिया कार्यक्रम। आजा। छोटी देख कैसे जीजा अपने बच्चे के साथ सो रहा है। अबे बासी उड़द की दाल, बच्चे का ख्याल नहीं रखूं क्या? हाँ हाँ, क्योंकि तेरा अपना खून है ना। खून? जैसी भैया कहाँ है खून, मुझे तो सिर्फ बच्चा दिखाई दे रहा है। Where is the blood? खून तो मेरा पी लिया है तुम सबने, ना जीने देते हो ना मरने देते हो। आइए मम्मी जी। ओह सॉरी, अब आप मम्मी नहीं, अब आप दादी जी बन गई हैं। बेटे मुंह तेरे, ओए इतनी हॉट सेक्सी और ग्लैमरस लड़की को दादी बोलते हुए तेरी जबान नहीं लड़खड़ाती। कैमरे की कसम मम्मी जी, बच्चा मेरा नहीं है, इस साले जसबीर का है। ओए नो 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 नो। इंटेलिजेंट बहू, देखा जाए ना तो इस बच्चे के फीचर्स एकदम जस्सी से मिलते हैं। ध्यान से देखो भाई, इसके भी दो हाथ हैं, जस्सी के भी दो हाथ हैं। ये भी नाक से सांस लेता है, जस्सी भी नाक से सांस लेता है, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? One second, मम्मी जी। You got it.
शाबजी, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग के हिसाब से आप सही कह रही हैं। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी जी, जस्सी, अरे जल्दी आओ, आज इस पप्पू ने पप्पी वाली इन्वेस्टिगेशन की है। ओ क्यों आवाज मार मार के मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? ये लो। अयो रुपा, ओए तुम सब लोग ना मुझे ध्यान से देखो, आज मैं मिस इंडिया ऐश्वर्या राय लग रही हूँ ना, तभी मैं सोचूं कि टीवी में सिद्धार्थ बाल्या का प्यो मुझे घूर घूर के क्यों देख रहा है, नाटक हट कहीं का। अरे मम्मी जी, जिस आदमी का जहाज डूब गया उस आदमी को छोड़ो और इस आदमी को देखो, ये देखिए। What is this? Who is this? ओ सुखी, ओ हाय, हेलो, छड़ मेरी गर्ल सुन। 31st की रात को जब हमने बहुत ज्यादा दारू पी ली थी तो मैंने सिर्फ उल्टी की थी या कुछ और भी किया था? क्या अगर ये हुआ है तो कब हुआ, कैसे हुआ? और निशा, नहीं नहीं ये नहीं हो रहा। कभी ना मम्मी जी, इस साले की भी एक गर्लफ्रेंड थी, निशा नाम की। क्या कहा? नहीं नहीं, ये मेरी फोटो नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड तो बस सेल्फी लेती है। ओए पापा जी, भरी जवानी में दादी, ये मर जाना पप्पू तो मुझे करण जौहर की फिल्मों की माँ से विमल रॉय की फिल्मों की माँ बनाकर रहेगा। एक मिनट मम्मी जी, ठीक है तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो मैं फोटो ही चला देता हूँ। अबे वो घनचक्कर, स्टैचू नहीं खेल रहे हैं। पहले बोल तू ही है प्रेमनाथ, I mean, इसका प्रेम, तब ये फोटो बचेगी। हाँ हाँ हाँ, इस फोटो में मैं ही हूँ। क्या? और वो निशा? अच्छा जी। लेकिन निशा तो अब माधुरी हो गई है जी। मेरा मतलब है अब वो US में है। येलो। माधुरी हो गई है? ओ माय गॉड। इसका मतलब वो फॉरेन से इंडिया आई थी और इसने फॉरेन के पिच पे इंडिया के ग्राउंड में बैटिंग किया है, है ना साले? अबे जीजे क्या बात कर रहा है, पिच छोड़, मैंने तो ग्राउंड भी नहीं देखा। आप दोनों पहले मिलके डिसाइड कर लीजिए कि ये बच्चा किसका है, तभी हम बात करेंगे। हाँ इसका है मम्मी जी, ये तेरा ही बच्चा है, तेरा ही बच्चा, मेरे को पता है तू इतना बड़ा ठरकी है ना, पक्का तेरा ही बच्चा है, तेरा ही। ओए खसमानु खाने, और निशा को फोन करके पूछ लो कि कौन है प्रेम और कौन है प्रेमनाथ, समझे? That's right. ओए बाबा जी, ये पप्पू पता नहीं भी कहां मर गया। नलायकी, अगर तू नहीं ना सोई तो मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाने हैं, तो मेरी ग्लैमरस इमेज का क्या होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे तारो, तुमने मुझे याद किया? अरे ये बच्चा किसका है? अरे बच्चा किसका है? अगर इस तेजिंदर को पता चल गया कि मैं दादी बन गई हूँ तो मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, और अगर पड़ोसियों को पता चल गया तो सारे थू थू करेंगे कि पप्पू इतना करेक्टरलेस है। मुझे इससे सच्चाई छुपानी पड़ेगी। यस। ओए पुरानी बिल्डिंग की कमजोर बुनियाद, ये बच्ची मेरी है, तेरे को कोई तकलीफ है? नहीं तारो, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती। आया बड़ा। तू मेरा मकड़ी के जाले जैसा नाजुक दिल तोड़ के रख दिया है, अब मैं इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे काटूंगा? खसमानु खाणिया, थिएटर में फिल्म देखकर काट ले,
जिस हिसाब से तेरी उम्र है ना, 3 ही घंटे बचे होंगे, उसके बाद तो तेरी टैम बोल जानी है। मुझे बताओ कौन है इस बच्चे का बाप? ये किसका बाप तुम लिए घूम रहे हो अपने साथ है? कहीं ये अनहोनी उस कमबख्त चोपड़ा के हाथों तो नहीं हुई? ओए बिन बारिश के गरजने वाले बादल, निकल जाए यहाँ से, वरना इस छरछर इमारत को तोड़ देना है मैंने। हाँ मैं तुम्हारी इस बेवफाई के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। नौकर मुझे क्या फर्क पड़ता है। मम्मी जी, मैंने इस राज का पर्दाफाश कर दिया है और मुझे पता चल गया है कि इस राज के पीछे उस साले जसबीर का हाथ है। ये रहा सबूत। हाय रब्बा, इसका मतलब मैं दादी बनने से बच गई। रुको, सबूत मेरे पास भी है। अबे ओ नाक पोछो वे रुमाल, सबूत तो मेरे पास भी है। मम्मी जी ये देखिए, ये है वो लव लेटर जो इसकी गर्लफ्रेंड दिशा ने भेजा है। रियली? और इसमें साफ साफ लिखा है, जसबीर यू आर अ डॉग, डील विद इट नाउ। जस्सी भैया, पहले मैं प्राउडली कहती थी कि जस्सी जैसा कोई नहीं, क्योंकि इतना लूज कैरेक्टर भाई किसी का नहीं हो सकता। कुछ भी कहने से पहले इस लेटर को पढ़ ले। What is that? What is that? ये इसकी वाली निशा का है और इसके बैग में से मिला है। पर इसमें साफ साफ लिखा है कि अपनी बेटी यानी अपने पाप को संभाल पापी पप्पू। दिखाओ। ये ले। पूछी, क्या है ये सब? एक कनेडियन बहू, मुझे लगता है ये दोनों लेटर ही नकली हैं। ये एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। हाँ जस्सी भैया, पूछी मुझे आप दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं आप दोनों को ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, कुछ भी करके कल तक मुझे इस बच्ची का बाप चाहिए। बहू, हेलो हेलो बहू, हाय हाय हाय। इससे तो जान छुड़ा ली, लेकिन अगर कॉन्टेस्ट वालों को पता चल गया कि मैं दादी बन गई हूँ तो मिसेज इंडिया बनने का सपना तो मेरा टूट जाएगा ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तारो, आज मैं कूद जाऊंगा, फंद जाऊंगा। ओए झूलती हुई मीनार, ये कूदने फांदने की बात मत कर, अगर गिर के टूट फूट गया ना तो तेरी तो मरम्मत भी नहीं होनी। इस तोड़ फोड़ की जिम्मेदार तुम होगी। बताओ ये किसका बच्चा है? मैं मरने से पहले जानना चाहता हूँ। पप्पूआ। अबे ओ कबाड़ी, ये टूटी हुई बोतल लेके यहाँ क्या कर रहा है? और ये मरने से पहले मतलब? मैं आज अपनी जान ले लूंगा। खुद पे इतना बड़ा एहसान मत कर लूलू। परेशान मत कर। अरे मैं परेशान करने नहीं, मैं कत्लेआम करने आया हूँ। मैंने सुसाइड नोट में भी लिख दिया है कि मेरी मौत की जिम्मेदार ये तारो होगी। नहीं नहीं नहीं, पापा, मैं अपनी भरी जवानी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं बताना चाहती। जिंदगी में पहली बार चाहती हूँ कि ये बुड्ढा बच जाए। पप्पू कुछ कर, कुछ कर पुत्र। भगवान अंकल दिखाओ। भगवान अंकल आप चिंता मत करो, हमारी मम्मी जी एकदम गंगा जल की तरह पवित्र है। That's right. हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि मम्मी जी ने कुछ गलत नहीं किया है, वो उनका बच्चा नहीं मेरा बच्चा है। मुझे पता है मेरी तारो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। मेरी तारो ये पकड़ो, अब तुम्हें पता लग गया ना, चलो अब चलते हो जाओ यहाँ से। और सुनो, सुसाइड नोट फाड़ के फेंक देना। सुसाइड नोट कैसा? सामान उखाना, अच्छा दफा लैग। पुत्री, पूछी, मेरी नजरों से दूर हो जाइए। बेबी, बेबी, बेबी। हाँ हाँ, बेबी को भी साथ लेकर जाना, क्योंकि मुझे डायपर वाइपर बदलना नहीं आता। अरे मेरी कनाडन बात तो सुन। मेरी नहीं सुननी। ओ जीजे, सुना नहीं छोटी ने क्या कहा? दफा हो जा। किस्मत की जब लगती है तो बड़े अच्छे से लगती है। जसमीत, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, तुझे मेरे जैसा पाजी, मतलब मेरे जैसा प्यारा पति नहीं मिलेगा। That's right, right. अबे कहाँ जा रहा है इंसान की औलाद, तू चला जाएगा तो मैं बात किससे करूंगा।
एक तू ही तो है मेरी बिरादरी का। बस एक तू ही है जिसे मेरी परवाह है। तुझे ही मेरे जाने का दुख हो रहा है मेरे दोस्त। अबे वो जीजे जाता क्यों नहीं? आई मीन एक्स जीजे। बेटा तुझे तो मैं एक्स मैन बन के बताऊंगा। बाय पप्पू। एक मिनट श्याम जी, कहीं मत जाइए। क्या हुआ? वाह मेरे बच्चे वाह, कोई तो आया मुझे रोकने। बोल बहादुर। अरे साहब जी, हम तुम्हारा बात नहीं कर रहा है, हम उस बच्चे का बात कर रहे हैं। तुम उस बच्चे को लेकर कहीं नहीं जा सकता है। क्योंकि क्योंकि ये बच्चा हमारी बहन निशा का बच्चा है। छी जीजे, तूने बहादुर की बहन तक को नहीं छोड़ा? अबे बेसब्रे बिजार, बात तो सुन ले उसकी पूरी। ओए एक बार बता, तेरी बहन का बच्चा यहाँ क्या कर रहा था हमारे दरवाजे पे? अरे साहब जी, ये कुछ हुआ यूं कि हमारा बहन अपना पहला पति के साथ दूसरा बार हनीमून पर जा रहा था। उसने हमको इन्फॉर्म किया था कि वो अपना बेबी हमारे पास छोड़कर जाएगा, और वो हमसे आया भी था मिलने को, लेकिन हम मिला नहीं। अच्छा। उसने डोरबेल भी बजाया था लेकिन किसी ने दरवाजा खोला नहीं, और जल्दी जल्दी में वो अपना बच्चा वहीं पर छोड़कर चला गया। और उसने हमको मैसेज भी किया था कि उसने बच्चा वहाँ पर छोड़ा है। ओ, अच्छा, फिर? साहब जी, हम थोड़ा मैसेज लेट से पढ़ा। हाँ। अबे तो उल्लू के पट्टे, पूरे दिन में वो मैसेज नहीं पढ़ सकता था। मारूंगा मैं तेरे को, बता रहा हूँ। ओए पप्पू, रुक जा रुक जा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका मतलब तू इस बच्चे का बाप नहीं। वाओ। मतलब मैं दादी नहीं बनी। ओए ओए, मतलब मैं मिसेस इंडिया ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले सकती हूँ। पूछी, सारी पूछी, मैंने आप पे शक किया, आप कितने स्वीट और शरीफ हो। पूछी, आपको पता है जैसी भैया ने मुझे भड़काया था। तेरी तो आज फिर से ये बात प्रूव हो गई कि मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। मावारी जाए, मासद के जाए तेरी शराफत पर। ओ कमीना पंती के होलसेलर, आज फिर से बच गया तू बेटा।